उत्तराखंड में 4 महीने में ही चुनाव होना है, लेकिन चुनावों से पहले बीजेपी में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। 6 महीने में ही उत्तराखंड ने 3-3 मुख्यमंत्री देख लिए। अब पुष्कर सिंह धामी भी कितने दिनों तक सीएम की कुर्सी पर रहेंगे ये तय नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर की फूट वो संभाल नहीं पा रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ विधायक ही आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या उत्तराखंड में चुनावों से पहले हो सकती है बीजेपी में बड़ी बगावत? देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ रावत और अब पुष्कर धामी, 6 महीने के अंदर 3-3 मुख्यमंत्री बीजेपी के शासन में उत्तराखंड की जनता ने देख लिए और अब 4 महीने में ही चुनाव भी होना है। ऐसे में ये तय नहीं है कि जनता किसे चुनेगी। 4 महीने बाद पुष्कर सिंह धामी की भी विदाई हो सकती है, क्योंकि इस समय पार्टी के अंदर ही लड़ाई छिड़ी हुई है और पुष्कर धामी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेता और बीजेपी के पुराने नेताओं में से पटरी नहीं बैठ रही है। धामी सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत 5 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। उनके रिश्ते पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ठीक नहीं चल रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने दोनों ही नेताओं को संतुलित तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बोलने को कहा है, लेकिन दोनों पर ही इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। दरअसल हरक सिंह रावत ने हाल ही में कहा था कि राज्य में कांग्रेस सरकार थी और हरीश रावत सीएम थे तो वो ढैंचा बीज मामले में पुरानी बीजेपी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। इस मामले में उनके निशाने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत थे और हरीश रावत ने त्रिवेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश भी दे दिए थे। मैं उस समय मंत्री था और मैंने कार्रवाई से मना कर दिया था। हरक रावत के इस बयान के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत हरक रावत की सोच पर ही सवाल उठाते दिख रहे हैं। वीडियो में उत्तराखंड के पूर्व सीएम कहते देखे जा रहे हैं कि हमारे यहाँ एक विशेष पशु होता है और वो ढैंचा ढैंचा करता है। अब हरक सिंह रावत को इसका जवाब देना ही था और उन्होंने इसका जवाब दे दिया। हरक सिंह रावत ने कहा, जिसका जितना ज्ञान होता है वो उसी तरह की बातें करता है, लेकिन जिनके घर कांच के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछालने चाहिए। लेकिन बाद में अपने बयान पर सफाई देते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि त्रिवेंद्र उनसे बड़े हैं, उनकी बातों को वो आशीर्वाद के तौर पर ही लेते हैं। यानी हरक सिंह रावत ने त्रिवेंद्र पर निशाना भी साधा, साथ ही अपने नरम रुख के संकेत भी दिए। डीवी लाइव की रिपोर्ट।